नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम विधि का हिंदी व्याकरण का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, लिंग। आज हम लिंग पढ़ रहे हैं। लिंग किसे कहते हैं? बच्चों, धरती पर सभी वस्तुएं प्राणी के लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। शब्द के जिस रूप से हमें उस व्यक्ति या वस्तु का लिंग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति के का बोध हो उसे स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आप इन चित्रों से, इन उदाहरणों द्वारा समझ पाएंगे, यहाँ पर दो एक चित्र में मोर और मोरनी दोनों का चित्र दिया है। मोर नाच रहा है, मोरनी देख रही है। तो यह आपको समझ में आया, मोर क्या है? पुल्लिंग है और मोरनी स्त्रीलिंग। दूसरे चित्र में देखें, पिताजी काम कर रहे हैं, माताजी खाना बना रही है। तो पिताजी है पुल्लिंग और माताजी स्त्रीलिंग। इसी तरह से एक उदाहरण और देखें, लड़का साइकिल चला रहा है, लड़की रस्सी कूद रही है। तो लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग। यहाँ पर माली पौधे लगा रहा है, मालिन माला बना रही है। तो माली है पुल्लिंग और मालिन स्त्रीलिंग। पेज संख्या 26 पर आप देखें बच्चों, वाक्यों को पूरा करने के से यह समझ में आ जाता है कि प्राणी दो तरह के होते हैं, स्त्री और पुरुष। मोर, पिताजी, लड़का व माली पुरुष जाति के हैं। मोरनी, माताजी, लड़की व मालिन स्त्री जाति के हैं। ये देखे बच्चों, इसकी परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर राजा, धोबी, छात्र, ये सभी पुल्लिंग के उदाहरण हैं। और स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर रानी, धोबिन और छात्रा, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। बच्चों, पेज संख्या 27 पर कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, इनको आप पढ़ेंगे और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे पुल्लिंग भाई, स्त्रीलिंग बहन, मामा मामी, बेटा बेटी, नर नारी, बालक बालिका, युवक युवती, लेखक लेखिका, घोड़ा घोड़ी, बैल गाय, शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी, अध्यापक अध्यापिका, नौकर नौकरानी, पंडित पंडिताइन। इस प्रकार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग कभी नहीं बदलता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर इत्यादि। ऐसे शब्द हमेशा एक ही लिंग में चलते हैं। जैसे राष्ट्रपति, जब प्रतिभा पाटिल थी तब भी उनके नाम के आगे राष्ट्रपति लिखा जाता था और आज भी राष्ट्रपति ही लिखा जाता है। तो आप समझते हैं, जैसे डॉक्टर, चाहे वो लेडी डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर, दोनों के नाम के आगे डॉक्टर ही लिखा जाता है। अभ्यास के प्रश्न देखें बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर वाक्य फिर दोबारा लिखना है हमें। यह हमारी बेटी है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? यह हमारा बेटा है। मेरी गुड़िया मुझे दो, मेरा गुड्डा मुझे दो। मेरे मामा आए हैं, मेरी मामी आई हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ी दौड़ रही है। चूहा पनीर खा रहा है, चूहिया पनीर खा रही है। तो ये समझ में आया बच्चों, प्रत्येक प्राणियों के लिंग होते हैं। प्रश्न संख्या 2 को देखें, आप उसके सही लिंग से उनको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को मिलान करें। जैसे धोबी धोबीन, मोर मोरनी, मुर्गा मुर्गी,
राजा रानी। प्रश्न संख्या 3 देखिए बच्चों, रंगीन छपे शब्दों में लिंग बदल करके वाक्य पुनः लिखना है। जैसे रंगीन यानी मामा लिखा है, इसके आगे मामी दिल्ली जा रहे हैं, मामा मामी, चिड़ियाघर में बंदर बंदरिया उछल कूद कर रहे हैं, शेर शेरनी शिकार कर रहे हैं, नौकर ने नौकरानी के साथ मिलकर सफाई की, गाय और बैल एक ही जगह बंधे हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये क लिंग के की परिभाषा लिखनी है हमें, लिखो। शब्द के उत्तर सुनिए बच्चों, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं, ये प्रश्न संख्या 2 है। नाम लिखिए, अब देखिए उत्तर सुने। लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। प्रश्न संख्या ग सुने, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में अंतर बताइए। प्रश्न पेज नंबर 27 पर आप देखें बच्चों, आओ दोहरान करें, इसमें आपको पुरुष जाति और स्त्री जाति के दोनों का बोध हो जाएगा। इसको आप लिखें प्रश्न संख्या ग का उत्तर में, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो आया बच्चों समझ में, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के आप 4 तक, 1, 3 और 4, 2 प्रश्न संख्या 2 को पुस्तक में ही करेंगे और प्रश्न संख्या 1, 3 और 4 को आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। साथ ही बच्चों पेज नंबर 27 पर ये कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, इनको भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।